रामनवमी का ये त्यौहार। आज तो विष्णु जी ने भगवान राम का रूप लिया था और भगवान राम अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर पैदा हुए थे। आज के दिन लोग पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत को सेलिब्रेट करते हैं। और हम अपने शो में सेलिब्रेट कर रहे हैं एंटरटेनमेंट को, दिखाकर आपको एंटरटेनमेंट से भरपूर ये खबर। रामनवमी का पावन पर्व। सितारों की श्रीराम भक्ति। राम जी की आस्था। सितारे मना रहे हैं रामनवमी का त्योहार। भाई इसी दिन श्री राम भगवान का जन्म हुआ था और इस दिन को धूमधाम से मनाया जाता है। श्री राम जी के लिए पूजा रखी जाती है, उपवास रखा जाता है और सभी भक्त राम जी की भक्ति में हो जाते हैं लीन। ऐसे में टीवी के ये सभी सितारे भी श्री राम जी के लिए दिखा रहे हैं अपनी अपनी आस्था। तो आइए देखते हैं इन सितारों की श्री राम जी के लिए भक्ति। सबसे पहले चलते हैं करण खंडेलवाल के पास। भाई वो राम जी के भक्त हैं और उनमें आस्था रखते हैं और आज रामनवमी के मौके पर वो जा रहे हैं राम मंदिर, जहाँ वो हमेशा से ही जाते हैं। तो चलिए भक्ति भरे इस सफर की करते हैं शुरुआत। रामनवमी के महापर्व पर आइए मनाते हैं आज ये रामनवमी और भी खास, क्योंकि आज हमारे साथ है करण, जो कि पूरी तरह से अटायर में भी है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो पहले तो मैं हूँ करण खंडेलवाल और मेरी तरफ से आपको और आपके सभी परिवार को हैप्पी रामनवमी, क्योंकि आज रामनवमी, आज श्री राम जी का जन्मदिन है। तो चलिए उनका जन्मदिन मनाते, उनके थोड़े दर्शन करके आते। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों ये त्यौहार मैं क्यों ज़्यादा मानता हूँ। देखो, हर किसी का है ना कहीं ना कहीं मतलब होता है, तभी वो मानना शुरू करता है। क्योंकि आप लोग कुछ लोग होंगे जो शिव जी को मानते होंगे, कुछ लोग गणपति को मानते होंगे, तो वैसे ही मेरी और श्री राम जी की कहानी है। तो मैं आपको रास्ते में सुनाता हूँ और मैं वो मंदिर ले चलता हूँ जहाँ पे मेरी पूरी लाइफ चेंज की है। आज अगर मैं बॉम्बे में हूँ तो मैं उसी मंदिर के कारण हूँ। तो मैं आज भी वो मंदिर सुबह रोज जाता हूँ। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ और साथ ही साथ ये फेस्टिवल हम साथ में मनाते हैं। चलो। तो अभी हम लोग अब बांगो नगर में हैं। तो बांगो नगर से यहाँ से करीबन 10 से 15 मिनट का रास्ता है राम मंदिर के लिए। तो अब वो राम मंदिर इतना बड़ा हो चुका है कि अब वो एक राम स्टेशन से जाना जाता है। वहाँ पे पूरा स्टेशन बन चुका है और वो एरिया भी काफ़ी डेवलप हो चुका है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, देखते हूँ, जाना है, मिलना है, आज भगवान से कुछ मांगना है। ये भगवान मैं पहले इतना मानता नहीं था, ऑब्वियसली मैं इतना पूजा पाठ भी नहीं करता था। बट मेरी फैमिली ने मुझे हर बार बोलते थे कि तू जाया कर मंदिर, जाया कर कोई भी मंदिर, जाया कर। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि तुझे हनुमान जी के मंदिर ही जाना है या ऐसे गणपति के मंदिर ही जाना है। तो मेरे घर के पास में एक मंदिर था, राम मंदिर। मुझे ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं थी तो मैंने सोचा चलो यार चलते हैं मंदिर में, देखते क्या होता है। बट जैसे मैंने वो मंदिर जाना शुरू किया, एक दिन गया, दो दिन गया, तीन दिन गया, मेरी लाइफस्टाइल धीरे धीरे चेंज होती गई और मुझे पता भी नहीं चला। आई स्वेयर ऐसा कुछ था नहीं, मतलब मैं बस ऐसे ही जाता था राम मंदिर और वहाँ पे मैं हाथ जोड़ के आ जाता था। बट जैसे जैसे मैंने जाना शुरू किया, मेरी लाइफ चेंज होती गई धीरे धीरे करके। एंड यू वोंट बिलीव कि एक से दो महीने के अंदर मुझे मेरे लाइफ का सबसे बड़ा शो मिला, जिस शो को मैं आज भी याद करता हूँ और मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि वो शो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो शो का नाम था सिद्धि विनायक। तो देखिए, राम मंदिर गया और सिद्धि विनायक नाम का शो मुझे मिला, जो कि एनटीवी पे टेलीकास्ट हुआ था, वो भी प्राइम टाइम पे। तो बस वहाँ से मेरी जो बिलीव है, मुझे नहीं पता शायद कहने के मेरा मतलब भी है, बट वहाँ से मेरा बिलीव धीरे 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 मेरा बढ़ने लगा। फिर जब भी कोई भी मुझे प्रॉब्लम होती थी तो मैं श्री राम जी के पास मैं चला जाता था और बस वहाँ जाके बैठ जाता था। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या मांगना चाहिए क्या नहीं, बस मैं वहाँ जाता था, हाथ जोड़ के आता था। और
आज भी मैं अगर वो मंदिर जाता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं से कॉल आता है, मेरा कहीं ना कहीं मेरा काम बनता है। सो मैं बहुत बिलीव करता हूँ, और आज के दिन का तो मैं हर साल मैं वेट करता हूँ, क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है, एंड ओबियसली आज कह सकते हैं कि मेरा भी जन्मदिन ही है, क्योंकि आज उनके उनके आशीर्वाद से मैं आज तक बॉम्बे में टिका हूँ, वरना बॉम्बे में इतने साल टिकना बहुत मुश्किल है। सो जय श्री राम। त्यौहार देखो, मैंने मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है, बट जो मैंने अपने घर पे देखा है, अपने जो मेरे पापा है, जो मेरी मॉम है, मेरी मॉम ये नवरात्रि के ना 9 दिन का फास्टिंग करती है। तो मैंने एक दिन ऐसे ही पूछा कि माँ आप कुछ खा नहीं रहे, क्या हो गया, मतलब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। तो वहाँ से मुझे पता चला कि ऐसा एक फेस्टिवल भी है। मैं जब बहुत ही छोटा था तो वहाँ से मुझे पता चला कि ऐसा एक त्यौहार भी है, ऐसे भी मनाया जाता है। तो मेरी मॉम 9 दिन का फास्टिंग करती थी, और मुझे ना मेरी मॉम पे बहुत दया आती थी कि यार, मैं बोली यार मेरी मॉम कुछ खा नहीं रही है, और मतलब ऐसा कौन सा त्यौहार है यार जो 9 दिन तक नहीं खाना, सिर्फ कभी अगर भूख लगे तो थोड़ा बहुत पानी पी लेना। तो मुझे पहले समझ में नहीं आता था, बट जो मेरी मॉम की जो श्रद्धा थी टुवर्ड्स श्री राम जी, वहाँ से मैंने देखा कि बहुत फ़र्क पड़ता है। घर पे शांति आती है, क्या कहते हैं कि मतलब एक ये 9 दिन जो है, ऐसा लगता है कि ये 9 दिन कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल है, क्योंकि मेरी मॉम फास्टिंग कर रही है। और 9 दिन के बाद मुझे ये भी पता चला है कि जब ये 9 दिन हो जाते कंप्लीट, जब मॉम पहली बार फास्टिंग तोड़ रही थी, तो ये 9 दिन का फास्टिंग जैसे ही ख़त्म हुआ, तो उसके अगले दिन ही मेरी मॉम ने बहुत सारे अकन्या लोगों को बुलाया, उनको खाना खिलाया। तो वैसे धीरे धीरे मेरी नॉलेज बढ़ने लगी, और मैं काफ़ी एक्साइटेड होता गया कि यार मतलब ऐसा भी एक मतलब होता है फेस्टिवल। तो धीरे धीरे बस मॉम डैड को देखते देखते मैं आगे बढ़ता रहा। जैसे कि आप जानते हैं कि श्री राम के जितने भी भक्त हैं, उन सबका बस लाइफ में एक ही मोटिव होता है कि अयोध्या में जो राम मंदिर अभी बन रहा है, वहाँ जाके एक बार मुझे दर्शन करना है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो कितनी जल्दी वो बन जाए, और वहाँ जाके मैं एक बार जोर से चिल्लाऊँ मैं जय श्री राम। तो गाइस, हम लोग बस और मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर हम दूरी पर है, तो हम पहुँचने वाले हैं 10 से 15 मिनट, क्योंकि बॉम्बे में ट्रैफिक बहुत होती है। तो बस और 10 मिनट का इंतज़ार करिए, फिर मैं आपको मेरी फेवरेट जगह पे लेके जाने वाला हूँ, मेरे फेवरेट भगवान से मैं आप सभी के दर्शन कराने वाला हूँ। सो आई एम सुपर एक्साइटेड भाई साहब, थोड़ा जल्दी जल्दी लो। फाइनली करण पहुंच गए हैं राम जी के मंदिर में, और यहां उन्होंने की श्री राम जी की पूजा अर्चना। पंडित जी से जाने इस दिन के और राम जी के महत्व के बारे में, और इस मंदिर के बारे में भी कई सारी बातें जानी। जय श्री राम। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं मंदिर, एक बार थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए ना मंदिर की तरफ। तो ये वो मंदिर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अब मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब मुझे जाके भगवान के दर्शन करने हैं। तो चलिए चलिए जल्द से जल्द जाते हैं और भगवान जी के दर्शन करते हैं। तो जय श्री राम।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवस्व दशरथ अचर बिहारी दीन दयाल विरत संभारी हरहुनाथ संगठ भारी। पंडित जी इसका मतलब बताया जी ने एक बार, क्योंकि मैंने सुना है कि इन दो लाइन में काफ़ी एनर्जी है, काफ़ी पावर है, काफ़ी ताकत है, तो मैं जानना चाहता हूँ। इसका अर्थ यही है कि मंगल भवन श्री राम भगवान जी का जो स्वरूप है वो मंगल भवन है, मतलब उनका स्वरूप देखने ही जितने भी अमंगलत्वता है वो सब खत्म होती है। इसके लिए मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल को हारने वाले हैं, हरने वाले हैं। द्रवस्व दशरथ अजर बिहारी है, दशरथ के लाल आप अजर बिहारी हैं, मतलब सभी के हृदयों में आपका निवास स्थान है और आपका दर्शन सभी संकटों से और जितने भी विपदा है वो सबसे मुझे हर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं GNTA को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज उनके आने से मैंने आज बहुत कुछ सीखा। मैं इस मंदिर में मैं काफ़ी सालों से आ रहा हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें मुझे आज पता चली जब मैंने पंडित जी से बात की। मैंने जब पंडित जी को पूछा तो मुझे पता चला कि ये मंदिर 300 साल पुराना है। 300 साल मतलब 300 साल बहुत होते हैं, तो 300 साल पुराना है। और आप मंदिर को ध्यान से देखें, इसका जो ये आर्किटेक्ट है ना, ये काफ़ी मतलब मुगलों के ज़माने का है, इसलिए वो ये 300 साल होने के बावजूद भी ये इतना मजबूत है। आप एक बार देख के खुद बोलिए कि आप कहोगे कि ये 300 साल पुराना मंदिर है। आप एक काम करिए, मेरे साथ अंदर आइए, मैं आपको पूरा मंदिर दिखाता हूँ कि इतना पुराना मंदिर क्यों, इस मंदिर को इतना माना जाता है क्यों। ये मेरे आंखों के सामने मुझे बताया, क्योंकि जब मैं यहाँ पे पहले रहता था तो यहाँ पे कुछ नहीं था, इट्स अ फाटक, ना यहाँ पे बिल्डिंग्स थी, ना यहाँ पे दुकानें थी, कुछ नहीं था। बट इस मंदिर का पावर इतना है कि आज ये वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड एरिया में आया जाता है। ये राम मंदिर स्टेशन पूरा स्टेशन बन चुके हैं, पूरी यहाँ पे काफ़ी सारे बिल्डिंगें आ चुकी है। एंड इस मंदिर का इतना श्रद्धा है ना इस मंदिर में कि आप अगर देखोगे, अभी शायद इतनी पब्लिक नहीं आई है, बट शाम को जैसे ही 7-8 बज जाएंगे देख लेना, ये पूरा भर जाएगा, पूरा मंदिर भर जाएगा, यहाँ पे आरती होती है। तो आइए, ये मंदिर और एक वजह भी है इस कि ये मंदिर खास क्यों है, क्योंकि इस एक ही मंदिर में आपको सब कुछ मिलेगा। चलिए, तो पहले मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे फेवरेट शिव जी के पास, शिव जी का मंदिर। तो ये है, आइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये है शिव जी का मंदिर। ये आप देख रहे हो यहाँ पे कितना इको हो रहा है इस मंदिर में। इस मंदिर में कुछ तो खास बात है। अगर ये मेरा इंटरव्यू जो कोई भी देख रहा है, तो प्लीज़ अगर आपके पास वक्त हो, अगर आप बॉम्बे में हो, तो इस मंदिर पे आप ज़रूर आइएगा। बहुत श्रद्धा है, आपको सुकून मिलेगा। एंड आई एम श्योर कि अगर आप दिल से जो भी मांगोगे ना, आपको 100% मिलेगा, क्योंकि मुझे आज तक मिलता है ना, मुझे पक्का श्योर है कि आप लोगों को भी मिलेगा। तो मैं एक बार विश्वास, तो ये है शिव जी का मंदिर, देखिए। और जैसे आप शिव जी मंदिर के बाहर आते ही हमारे गणपति जी भी यहाँ पे हैं। तो मैं यहाँ आता हूँ तो मैं शिव जी के दर्शन भी कर लेता हूँ, मैं गणपति जी के भी मैं दर्शन कर लेता हूँ, फिर राम श्री राम जी का तो आप देख चुके हैं। मैं फिर से एक बार आपको टूर करा देता हूँ। तो GNTA के आने की वजह से एक चीज़ मैंने और सीखी कि मुझे आज पता चला कि आप इस मंदिर को ध्यान से देखिए कि यहाँ पे राम जी है, लक्ष्मण जी है और सीता जी है, जबकि आपको सबको पता है कि हनुमान जी भी इनके पास रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे क्यों नहीं है, वो मैं बताता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि हनुमान जी भगवान
राम जी को पहरा देते थे। तो इसलिए इस मंदिर की खास ये बात है, जो आपको मेरे जितनी मेरी नॉलेज है आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, हनुमान जी भगवान यहाँ नहीं है, हनुमान जी भगवान इनका पहरा देने के लिए वो एकदम सामने बैठे। तो आप देखिए इस मंदिर का आप कमाल देखिए कि आपको हनुमान जी भगवान वहाँ नहीं मिल रहे, वो एकदम सामने बैठे हुए और वहाँ से वो इनको पहरा दे रहे हैं। तो ये शक्ति है इस मंदिर की, जो ये इस मंदिर की बहुत खास बात है, जो आपको बहुत सारे मंदिरों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये हमारे भजरंग बली। तो आज राम जी के साथ साथ आज मैं इनके भी दर्शन कर लूंगा। जय बजरंग बली। तो ये है ओके। तो आप देखिए एक साथ साथ सबके दर्शन हो गए। और इस मंदिर का मैं और एक खास बात देखिए कि ये कितना ब्यूटीफुल बना हुआ है। आप देखिए ना यहाँ पे साइड में काफ़ी सारे पेड़ है। आप क्या इस तरह आइए, आप देखिए ये मंदिर कितनी हरियाली है यहाँ पे। कोई ये मंदिर को देख के नहीं कहेगा कि ये मंदिर 300 साल पुराना है। पूरा मतलब यहाँ पे मतलब इस मंदिर के अंदर ही कुछ घर भी बने हुए जो पंडित जी वहाँ पे सब रहते हैं। तो पूरी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे है और यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। तो ये था एक छोटा सा मंदिर का टूर जो मैंने आपको दिखाया कि मैं क्यों इस मंदिर पे आता हूँ, क्यों है इस मंदिर की खास बात। तो आप जब तक आप आओगे नहीं, आप अब दिल से पूजा करोगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा। तो मैं बस ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ बहुत लोग होते जो कहते कि नहीं आपको शिव जी के मंदिर जाना चाहिए, गणपति के मंदिर जाना चाहिए या उनको पूजा करो, वैसा नहीं। आप सिर्फ मंदिर जाइए, कोई भी भगवान हो। थैंक यू सो मच सास बहू और बेटिया, मुझे आज आपके साथ राम नवमी मना के मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे इनफैक्ट बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। मुझे पता चला कि ये जो मंदिर है ये 300 साल पुराना मंदिर है। प्लस मुझे ये भी पता चला कि हनुमान जी भगवान उनके सामने क्यों रहते हैं, मुझे आज ये भी पता चला। सो थैंक यू सो मच, मैंने बहुत इन्जॉय किया एंड आई होप आप लोगों को भी ये सेगमेंट बहुत मज़ा आएगा। अगेन जय श्री राम। आप सभी को हैप्पी राम नवमी। जय श्री राम। लग जा गले की इशानी यानी कि तनिषा मेहता भी राम जी में काफी आस्था रखती है और राम नवमी के इस पावन पर्व के मौके पर वो पहुंच गई हैं इस राम मंदिर में, जहां पर उन्होंने राम जी की पूजा अर्चना की और लिया भगवान श्री राम का आशीर्वाद। आज राम नवमी है और आज मैं भगवान के दर्शन कर रही हूं। चलिए आप भी मेरे साथ दर्शन कीजिए। Oh,
रामनवमी है और हम रामनवमी इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज के दिन राम जी का जन्म हुआ था और साथ ही साथ में उनका राज्य अभिषेक भी हुआ था। मैंने तो आज ये प्रार्थना करी है कि मैं जो शो करी लग जा गले उसको और सक्सेस मिले और मेरी ज़िंदगी में मेरे जीवन में मुझे सक्सेस मिलते रहे और ऐसे ही राम जी मुझे सपोर्ट करते रहे और मुझे प्यार देते रहे और मेरे लाइफ में खुशियाँ फैलाते रहे। मुझे तो बहुत स्पेशल फील हो रहा है, मतलब ऐसे सबके साथ तो नहीं होता, आई डोंट थिंक सो। तो आज उन्होंने जो राम जी के ऊपर हार लगा हुआ था वो मुझे दिया है नारियल के साथ, फूलों के साथ, सो आई एम फीलिंग वेरी स्पेशल। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर रामनवमी पर जिन्हें छुट्टी मिली वो तो राम जी के मंदिर जाकर आशीर्वाद लेकर आए, लेकिन जो सेट पर है उन्होंने सेट पर ही की भगवान श्री राम की पूजा अर्चना। मेरी बेस्टी और वेदिका दालमिया की तरफ से आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्टून नेटवर्क पर एक रामायण आता था एनिमेशन वाला और वो इतना खूबसूरत था ना एनिमेशन, मुझे याद नहीं है उसका नाम क्या था, वहीं से मुझे रामायण के बारे में और राम भगवान के बारे में इतना सब कुछ पता चला, सीता माँ के बलिदान के बारे में इतना सब कुछ पता चला। तो वो मेरी अर्लीस्ट मेमोरी है रामायण को लेकर। और ऑफ कोर्स घर में तो बात होती है रामनवमी पर, पाठ भी पढ़े जाते हैं तो उसकी वजह से। और मोस्टली मुझे सीन्स के बीच में टाइम नहीं मिलता है, लेकिन लकीली आज टाइम मिला तो हमने एक छोटी सी पूजा की रामनवमी की के पर्व पर, मैंने और बेस्टी ने यानी वेदिका माँ ने। तो इसे ज़रूर देखिएगा और आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएँ। जाते जाते हम तो बस यही कहेंगे कि आप भी राम जी की भक्ति में लीन हो जाइए और कहिए जय श्री राम। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा, रिद्धि जैन और विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।